नमस्कार, देएसडी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बोलिए नेताजी में आज हमारे साथ झारखंड से खास मेहमान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे ताल्लुक आपका करा दे। इस वक्त हमारे पास टीएमसी के सीनियर लीडर संजय पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में। नमस्कार नमस्कार सर। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल आपसे यही, आखिर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने क्यों है? देखिए, आमना सामना नहीं है, हमारे बराबर में भी खड़े नहीं है। हमारे अभी आपको मैं यही बताता हूँ कि उनके पास न लीडर है न कार्यकर्ता है। बंगाल का चुनाव होना है, बंगाल के चुनाव के पहले टीएमसी से उनको किसी प्रकार की तलखी नहीं थी, ना लोकसभा चुनाव के पहले भी कोई तलखी नहीं थी। लेकिन अभी उनको है कि लोकसभा में वो ठीक है, कुछ उनको अधिक सीटें मिली, लेकिन अब विधानसभा में चाहते हैं अपनी सरकार बनाना, किसी तरह वहाँ इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि जनता जो है को किसी तरह ये बात समझ में आ जाए कि ममता बनर्जी किसी तरह का काम जनता के लिए नहीं करती है। लेकिन वहाँ स्थिति बहुत विपरीत है। आप पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि 18 सीट पे भाजपा जीती, जिसमें 14 सीट जो पे जो उम्मीदवार जीत के आए वो सभी कभी ना कभी टीएमसी के लीडर थे। आज उनके पास वही स्थिति है, पूरे पश्चिम बंगाल में उनके पास न कार्यकर्ता है न उनके पास कोई नेता है। वो या नेता आयात करेंगे या उधार लेंगे, तो वो टीएमसी से ही लेना होगा, क्योंकि जनाधार केवल टीएमसी के नेताओं के पास है, जनाधार वहाँ किसी पार्टी के पास नहीं है। तो इस परिस्थिति में वो टीएमसी से तलखी करना चाहते हैं, टीएमसी के नेताओं को परेशान करना चाहते हैं, लोभ लालच फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद अध्यक्ष का जो है पद देने को तैयार हैं। इस परिस्थिति में हो सकता है कि किसी तरह का बदलाव हो सकता है, कुछ नेता मेरे राजनीतिक भ्रमण में जा सकते हैं उनके यहाँ, लेकिन उनको बात समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी कि बंगाल में टीएमसी की ही सरकार रहेगी और टीएमसी की सरकार में ही उनकी जनसेवा करने का मौका मिलेगा। अच्छा संजय जी, ये बात बता दीजिए, चलिए ठीक है, ये सब जी बात ठीक है, लेकिन एक चीज बता दीजिए कि आखिर आपके प्रदेश में, आपके राज्य में कोई मेहमान बनकर जाता है, हालांकि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष लीडर का कहना है, आखिर जेपी नड्डा के काफिले पर हमला कैसे हो जाता है, आखिर और कार्यकर्ताओं के काफिले पर हमला कैसे हो जाता है और आरोप टीएमसी पर लगता है, ये सब कैसे हो गया बंगाल में? आखिर इस सबसे बंगाल की छवि जो है वो तो खराब हो रही है कहीं ना कहीं। ये भी एक साजिश के तहत हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है, उनके के सामने जो धरना हो रहा है, वहाँ सिसोदिया के यहाँ जो प्रदर्शन हुए, उसके घर में जो घुसे वो कौन लोग थे? वो लोकतंत्र के रक्षा करने वाले, जो संविधान का शपथ लेने वाले लोग ही थे। लेकिन आप यदि वहाँ जो साजिश रचा जा रहा है, वहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहा है कि बीजेपी चाहती है वहाँ कि नेता बदनाम हो, सरकार बदनाम हो। एक छोटी सी बात हम कहना चाह रहे हैं कि वो वहाँ के राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, महामहिम हैं, महामहिम की अपनी एक मर्यादा है, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन वो एक डिबेट में जाके स्टूडियो में बैठते हैं, वो सरकार के विरुद्ध ऐसी बात करते हैं कि लगता है कोई भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा हो। तो वैसी स्थिति रखी गई है, वैसे लोग रखे गए हैं, वैसे कार्य किए जा रहे हैं, वैसी रैलियां निकाली जा रही है। भवानीपुर जो है वो टीएमसी की लीडर के क्षेत्र है, भवानीपुर में जानबूझ करके वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके नाम पर या कोई अराजकता फैलाए, कानून टूट रहा हो, इस तरह की माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है। हम तो हर समय, बंगाल तो इसके लिए प्रसिद्ध है सर कि वहाँ पर ही सारे, चाहे अभिनेता हो, नेता हो, उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है, वहाँ की ये सभ्यता नहीं है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। इसलिए ये इस बीच जी जी बोला जाए, हाँ, ये केवल कहना चाहता हूँ कि ये मर्यादा हम लोगों की है, कभी इस तरह की घटनाएं
हमारे द्वारा नहीं की जा रही, हमारे पार्टी के द्वारा नहीं की जा रही। ठीक है, चलिए आप बता रहे हैं कि आपके पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस तरह से लगातार मोहन भागवत ही कल पहुंचे हैं बंगाल, उसके बाद लगातार आपको अमित शाह वहां पर कैंप कर रहे हैं, जेपी नड्डा वहां लगातार महीने में प्रवास पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि जो हमले किए गए हैं उससे टीएमसी और ममता सरकार खास तौर पर डर गई है कि जिस तरह से बिहार चुनाव का हाल हुआ, कहीं बंगाल में भी सुपड़ा साफ ना हो जाए टीएमसी का। मैं खास बात एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको सर, एकदम छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो किया जा रहा है ये डर हमको पैदा नहीं कर रहे हैं, हमारा सुपड़ा साफ नहीं होने जा रहा है, हमारी पार्टी हमारी नेत्री पूरी तरह सक्षम है, माहौल क्या बन रहा है ये डर रहे हैं। जिनके पैसे के बल पे इन्होंने चुनाव जीता है, जिनको लाभ पहुंचाने का वादा करके आए हैं, उन लोगों को अभी जो है इस उद्योगपति घराने को बंगाल में दाल नहीं गल रहा है, वहाँ ये लोग लूटपाट नहीं कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति ये कहीं भी बंगाल में नहीं है। केवल ये बंगाल को जीतना इसलिए चाहते हैं कि ताकि उद्योगपतियों का वहाँ जो है पूरी तरह माफिया गिरी चले, बंगाल को लूटने का प्रयास हो रहा है, कहीं कोई वहाँ रजकता नहीं है, ये बात आपको बता रहे हैं जी। अच्छा संजय जी, एक और सवाल आप मुझे बता दीजिए कि हालांकि चलिए तो बंगाल चुनाव पर आपने अपनी बातें रख ली, मुझे बता दीजिए तो आज 18वां दिन है किसान आंदोलन को बिल को लेकर के, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, यदि नीति आपके लिए बना, घर में बात हो कि आप 10 बजे रात को घर लौट जाइए, तो ये सारे लोगों के लिए लागू होता है। यदि ये इसका पालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को देखकर नीति नहीं बनाई गई है। हमको 11 बजे छुट्टी होती है तो 11 बजे घर आएंगे ना, तो किसान आंदोलन जो है किसानों के हित में नहीं है, ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ये बात समझ में आ गई है। हिंदुस्तान का जो है किसान समझ गया है कि ये नीति उन लोगों के लिए बनी है, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी है, किसान के हित में कोई नीति नहीं है। आपको बिहार और झारखंड की बात कहता हूँ, बिहार और झारखंड में मंडी पिछले 15 साल से नहीं है, 20 साल भी हो गया, बाजार समिति भी यहाँ पर मोटे तौर पे ख़त्म है, तो यहाँ के लोग जो किसान हैं किस बिचौलिए के पास जा रहे हैं? तो स्थिति है कि हम बेच ही रहे हैं, भले दाम नहीं हमको मिल रहा, हमको MSP नहीं मिल रहा है, ये केवल दिक्कत है। हमको दिक्कत ये नहीं है कि हम कहाँ धान बेच रहे हैं, कहाँ गेहूँ बेच रहे हैं, हमको जो हमारा कहना है कि जिस तरह वही हमारे माल पे कारपोरेट जो है MRP लगा करके बेचता है, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरा MSP को है जो आप कानूनी दर्जा दे दीजिए, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, हम और मेरी मंडी रहेगी, मंडी रहने दीजिए, MSP बना दीजिए, और जितना प्राइवेट मंडी बनाना है बनाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम विरोधी हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उद्योगपति इन ज़मीनों का सौदा कर लेंगे, इसलिए किसान ठगे जा रहे हैं, ये नीति किसी भी कीमत पर वापस होनी चाहिए, उसके लिए TMC उनका का समर्थन है, और साथ साथ उनके आंदोलन में हम प्रत्येक दिन आंदोलनरत हैं, कल भी हम लोग आंदोलन करेंगे और समाहरणालय पे धरना देंगे, एक दिन को उपवास भी रखेंगे, हम लोग किसानों के साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं, और किसान बिल वापस होना चाहिए। एक अंतिम सवाल संजय जी, ये बता दीजिए झारखंड सरकार के नई सरकार को एक साल कंप्लीट हो गए हैं, आपके नजर में क्या लगता है, कितनी उपलब्धियां प्राप्त की है इन एक सालों में झारखंड के सरकार की? आप दिल्ली और झारखंड को देख लिया जाए ना सर, दिल्ली आज भी महामारी से पीड़ित है, और ये सरकार बनते के साथ एक बहुत बड़ी महामारी से जूझना पड़ा, और इसने जिस तरह से जितनी होशियारी से जितनी बुद्धिमानी से इन्होंने जो है उसको अपने स्तर से काम करने लगे, ये स्थिति आ गई कि आज महामारी भी यहाँ खत्म है, और सरकार मनरेगा के स्तर पर ग्रामीण स्तर पे पंचायत पूरी तरह एकदम सक्षम है, काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात आज कहने की है कि हमारे पास आर्थिक अभाव है, राज्य के पास आर्थिक संसाधन घटे हैं, केंद्र सरकार हमें GST का पैसा नहीं दे रहा है, हमारा पैसा नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ विकास बंद है, फिर भी जितने संसाधन हैं उसमें मैं लगातार विकास कर रहा हूँ, और हेमंत सरकार को इसमें बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मजदूरों के लिए, उन्होंने कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया बहुत ही सराहनीय रहा है।
चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात को रखने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा कि अभी महामारी से झारखंड उभर रहा है, इसमें अभी भी बहुत परहेज करने की ज़रूरत है। इसी तरह का तैयारी रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। जी आपको भी जोहार। धन्यवाद, जोहार। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ टीएमसी लीडर संजय पांडे थे। बेबाक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जिस तरह से बंगाल में आपने सामने है उस पर लेकर भी संजय पांडे ने साफ रुख अख्तियार किया है। इस खास कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी भेजें। इस कार्यक्रम पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।